नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक पेटेंट ALN-33 के बारे में, जो कि फीवर ड्रॉप्स के नाम से आता है। और अगर आप लोगों को फीवर हो गया हो, टेम्परेचर आपकी बॉडी का राइज कर गया हो, ज़्यादा हो गया हो, तब आप इस दवा ALN-33 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स होने पर इसका यूज़ किया जा सकता है, साथ ही जानेंगे कि इसकी डोसेज जो है वो क्या रहनी चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो वीडियोस हैं ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, नॉलेज के लिए हैं, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन या सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। तो वीडियो देखकर दवाई ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आपको कौन सी दवा सही रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फीवर के बारे में। फीवर क्या होता है? जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आप लोगों का होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ज़्यादा आप लोगों का बॉडी टेम्परेचर आ रहा है, इसका मतलब है आप लोगों को फीवर हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जो फीवर के होने पर आप लोगों को आ जाते हैं। एक तो आप लोगों का शरीर जो है वो गर्म हो जाएगा, तपना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों का टेम्परेचर आप लोगों को पता लगेगा कि बढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे शरीर में आप लोगों को थकावट महसूस हो रही होती है, आप लोगों का काम करने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता, और शरीर के अंदर कुछ पेन्स जो हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। कुछ बॉडीली पेन्स होते हैं जो मसल्स के अंदर पेन्स आ जाते हैं फीवर की वजह से। साथ ही बहुत बार आप लोगों को फीवर के टाइम पर खांसी जुकाम भी लग जाता है, और कई बार आप लोगों को नौजियाटिक फील होना शुरू हो जाता है, और वॉमिटिंग्स भी लग सकती हैं फीवर आ जाने पर, क्योंकि फीवर के भी कई बार पीछे बहुत से कारण होते हैं। अगर आप लोगों का फीवर इससे ज़्यादा टाइम तक चला जाए, लंबे टाइम तक हो रहा हो, तब आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अच्छे से डायग्नोस करवा लें कि कहीं आपको कोई डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड, जॉन्डिस ऐसी कोई परेशानी, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आप लोगों को फीवर आ रहा हो। आइए अब जान लेते हैं कि ALN-33 के अंदर कौन कौन सी मेडिसिंस जो हैं वो डली हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें सिंकोना डली हुई है। सिंकोना जो मेडिसिन है वो ज़्यादा फीवर आ जाने पर दी जाती है। साथ ही अगर आप लोगों को हेडेक्स आ रहे हों तब भी सिंकोना का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसमें एकोनाइट डली हुई है। एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि फीवर के समय पर दी जाती है, अधिकतर केसेस में यूज़ की जाती है। साथ ही जिन लोगों को रेस्टलेसनेस ज़्यादा फील हो रही हो, यानी कि बेचैनी, घबराहट ज़्यादा हो रहा हो, वो लोग एकोनाइट का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो, थर्स्ट जो है वो बढ़ रही हो, वो लोग भी एकोनाइट लेकर अपने फीवर में आराम पा सकते हैं। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेलाडोना एक होम्योपैथिक मेडिसिन इसके अंदर डली हुई है। बेलाडोना जो है वो अगर आप लोगों के इन्फ्लामेशंस हो रही हों तब भी इस्तेमाल की जाती है। साथ ही अगर आप लोगों के फीवर में आपका फेस रेड हो जाता हो तब हम बेलाडोना का इस्तेमाल करते हैं। इससे नेक्स्ट दवा जो इसमें डली है वो आर्निका मोंटाना है। आर्निका मोंटाना भी फीवर के लिए इस्तेमाल की जाती है। फीवर हो जाने पर वैसे तो आप लोगों की बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है, बट कुछ लोगों के हाथ और पैर ठंडे रह जाते हैं, बाकी बॉडी जो है वो गर्म होती है। ऐसी कंडीशन होने पर आर्निका का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें फेरमफॉस चली है, जो कि फीवर के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक बायोकेम रेमेडी है, जो कि अगर आप लोगों को अनीमिया हुआ हो तब भी ले सकते हैं। इससे नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ब्राइनिया एल्बर्स के अंदर डली हुई है। ब्राइनिया जो है फीवर में दी जाती है। साथ ही अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तब हम ब्राइनिया देकर इन सिम्टम्स में आराम पा लेते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें जलसीमियम डली है। जलसीमियम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि थर्स्टलेस हो जाता है पेशेंट। फीवर होने के बावजूद भी उसको प्यास नहीं लग रही होती, ऐसी कंडीशन अगर किसी पेशेंट के साथ हो तो उसे हम जलसीमियम देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो इसमें रस्टॉक्स चली हुई है। रस्टॉक्स जो है फीवर हो जाने पर अगर आप लोगों को थ्रोट, माउथ
जो है वो ज़्यादा ड्राई फील हो रहा हो, तब हम रस्टॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप लोगों के बॉडीली पेन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तब भी रस्टॉक्स दी जाती है। रस्टॉक्स देने से फीवर में भी आराम मिलेगा और अगर बॉडी के अंदर पेन्स हो रहे हैं उनमें भी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें कॉफिया है। कॉफिया मेडिसिन देने से आप लोगों का फीवर ठीक हो जाएगा और अगर आप लोगों को नींद में परेशानी हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें नेट्रम सल्फ डली हुई है जो कि फीवर होने पर दी जाती है। साथ ही अगर आप लोगों को जुकाम जो है बहुत ज़्यादा हो रहा हो या सफोकेटिव फील हो रहा हो या सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तब दी जाती है, क्योंकि नेट्रम सल्फ जो है वो अस्थमा के पेशेंट्स पे भी एक्ट करती है, तो ये दवा लेने से फीवर में आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें नेट्रम म्यूर डली हुई है। नेट्रम म्यूर भी फीवर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसकी डोसेज जो है क्या रहनी चाहिए। वैसे तो इसकी डोसेज सीवियरिटी पर डिपेंड करती है, जितनी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है उसके हिसाब से इसकी डोसेज दी जाती है, पर फिर भी एक कॉमन जो डोसेज सबको दी जाती है 8 से 10 बूंदें आप थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही हो या फीवर कम नहीं हो रहा हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और कई बार ज़रूरत पड़ने पर कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो टेस्ट अवश्य करवा लें। अपना डायग्नोसिस ज़रूरी है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट जो है वो सही से हो पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना इलाज जो है ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।